हो सकता है संतु जी, ऐसा हो सकता है ना कि बाहर दरवाजे के बीच में किसी औरत का उंगली आ गया हो, इस वजह से वो रो रही हो, और जब उसका उंगली निकल गया हो वापस चली गई हो, ऐसा हो सकता है ना। चीते पर दरवाजे पर उंगली आने पर ऐसे कौन रोता है? संतु जी आप डरिए मत, I'm here, Billy the spy here. कोई भी भूत है, चुड़ैल है, इससे डर कर तो भागी जाएगी। मैं इसका शक्ल देखिए संतु जी, ऐसा भूषण दम पिसाच इंसान को देखकर तो किसी भी चुड़ैल का हार्ट अटैक आ जाएगा संतु जी, बात समझिए। अभी ना यहाँ पर निकल कर छाती चौड़ा करके भाषण दे रहा है। जिस समय आवाज आ रहा था ना, जेल के बाहर भी नहीं निकला, याद है ना आपको संतु जी, अभी बोल रहा है। और वैसे भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं संतु जी, हम है ना। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। होता है। आप कौन? शाजिया, बेगम शाजिया। बेगम शाजिया, आदाब। ये लालटेन क्यों? हमारे इलाके में बिजली नहीं थी इसीलिए। पर यहाँ पर तो है ना। हाँ। बुझा दीजिए। हाँ। और चली गई तो? वैसे आप गलत थे, रोए होती है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं खुद एक रूह हूँ, आप भी एक रूह हैं। हाँ। आप और आप भी। हाँ। हम सब रूहें तो हैं। रूहों के बगैर हमारा क्या मायना? बेगम साजिया तो फिलोसोफर भी है। वैसे का सेवा कर सकते हैं हम लोग आपका रूह बेगम साजिया जी? फरियाद लिखवानी है हमें। बैठिए। वैसे आप दिन में भी आ सकती थी। आपका मिट्टी का तेल बच जाता। रे रे ना ना ना। हम सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। मैं रात को सिर्फ अंदर रहता हूँ। समझ गए, स्किन का प्रॉब्लम, त्वचा का दिक्कत ना, धूप से एलर्जी होगा। है ना साजिया दीदी? बताइए क्या तकलीफ है आपकी? कुछ लोगों ने हमारी हवेली पे नाजायज कब्जा कर लिया है, डेरा जमाए बैठे हैं, हड़पना चाहते हैं हमसे हमारी हवेली, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें हमारा घर वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। आप जानती होंगी कि कौन है वो जो आपका घर हड़पना चाहता है। कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे। आप अपना एड्रेस बता दीजिए। पुराना कब्रिस्तान। माँ। उसके सामने आम का बागान है, बागान के अंदर अंधा कुआ, आखिरी वाला घर हमारा ही है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा घर वापस चाहिए। मिलेगा मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको। शाजिया आपा, अपना एफआईआर का कॉपी तो ले जाइए। शाजिया जी, मैडम सर, आपने एफआईआर रजिस्टर मंगाया? हाँ, तो अच्छा ठीक है, ये तो मामूली सा प्रॉपर्टी का केस है। ठीक है, आप तफ्तीश शुरू कीजिए। मैडम सर मैं तो साइबर डिपार्टमेंट में हूँ ना, तो प्रॉपर्टी साइबर डिपार्टमेंट का क्या लेना देना है। एक मिनट, चीता। हाँ संतु जी बोलिए ना। मैडम सर कहीं भेजना चाहती है तुझे। हाँ मैडम सर बोलिए ना।
ये जो प्रॉपर्टी वाला केस है जो कल रात को आया था, हाँ, उसकी तफ्तीश तुम करोगे। ठीक है मैडम। हाँ, मैडम सर, हम कहते हैं कि हमारे साथ ना संतू जी को भी भेज दीजिए, एक से भले दो। हो गया, तफ्तीश आप दोनों ही करेंगे। नहीं मैडम सर, वो प्लम्बर बुलाया था नल। ठीक है, तो प्लम्बर को साथ लेकर जाइए। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई। शिव जी हमें हिम्मत दीजिए मैडम सर के साथ बात करने की। जय हिंद मैडम सर। हेलो पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हमने आपसे कहा था कि मीरा को लेकर तुरंत थाने आई है, अब तक नहीं पहुंची। हाँ वो ला ही रहे हैं मैडम सर, मगर क्या हुआ ना, थोड़ा घूमने का मन हुआ। किसका? आपका? क्या मजाक कर रही हैं आप? हमारा नहीं, मीरा मैडम का। हाँ तो वो क्या कह रही है? वैसे भी थाने जाना है तो क्यों ना थोड़ा घूमते हुए जाए, वो ऐसे आ रही है तो इसीलिए थोड़ा घुमा रहे हैं हम उन्हें। पुष्पा जी आप क्यों हमसे मजाक कर रही हैं? वो एक मशीन है, उसका घूमने का मन कैसे कर सकता है? आप उसे फोन दीजिए, हम उसे कमांड देते हैं। उसकी क्या जरूरत है, आप हमें बताइए ना, हम कमांड देते हैं। और आपको पता है मैडम सर, हम हूबहू आपकी आवाज निकाल सकते हैं। सुना है आपको? पुष्पा जी ये क्या कह रही हैं आप? सुना? कांग्रेचुलेशंस, लेकिन हम हैं, हम दे सकते हैं उसे कमांड, आप फोन तो दीजिए। नहीं दे सकते ना मैडम सर, वो हमारे साथ नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ है? मैडम सर हम बस थाने आ ही रहे थे, वहाँ एक गोलगप्पे वाली दुकान दिखी तो हम बस रुक गए थे, मुड़ के देखा तो मीरा अचानक गायब हो गई। पुष्पा जी आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं है, तो कितना बड़ा बवाल होगा। थाना बंद हो जाएगा, हम सबकी नौकरी चली जाएगी और जिंदगी भर के लिए हमारे सर पर गैर जिम्मेदारी का कलंक लग जाएगा, वो अलग। कुछ कीजिए, ढूंढिए उसे। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। हाँ जय हिंद जय हिंद। क्या हो क्या रहा है ये? आम का बागान, उसके बगल में अंधा कुआं और उसी के बगल में उनका घर। एड्रेस तो यही दी थी ना संतु जी? चीते वहाँ पे झोपड़ी है, घर नहीं है। हाँ संतु जी घर तो नहीं दिख रहा है, झोपड़ी ही लग रहा है हमको भी। चल चल घर नहीं मिला, चलते हैं ना। हाँ संतु जी। नहीं नहीं संतु जी, क्या कर रही हैं? मैडम सर बोली है पूरा तहकीकात तो करना पड़ेगा ना। संतु जी हाँ? वो देखिए घर जैसा कुछ तो दिख रहा है। हाँ लग तो रहा है। लग रहा है ना संतु जी? हाँ जाइए जाइए, चेक करके आइए, जाइए। तू ही बोला था ना चेक करना, चल। हाँ संतु जी चलिए चलिए चलिए। संतु डरिए मत, आप हैं आप हैं, चलिए संतु जी चलिए, आप हैं, डरिए मत। चूहा ही होगा संतु जी, संतु जी घर नहीं है तो खंडहर लग रहा है। कितने लोगों के पास घर नहीं और जिनके पास है तो खंडहर बना के रखा है चीते। ये डरावना मासूमियत संतु जी। संतु जी जब यहाँ तक हम लोग आ ही गए तो आस पड़ोस किसी से पूछते हैं। नहीं चलते ना। नहीं नहीं पूछ लेते हैं, पूछ लेते। वो देखिए चाचा जान जा रहे। चाचा चाचा सुनिए। चाचा 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 जान। चाचा चाचा क्या है? चाहे इतना इतना कहाँ भड़क रहे हैं? बीवी भी भाग गई है क्या आपकी? तुम्हें कैसे पता?
सॉरी सॉरी चचा, गलत तार छेड़ दिए। चचा जान, हम ये पूछ रहे थे कि इधर आस पड़ोस में कोई कोई साजिया बेगम रहती है क्या? बेगम साजिया रहती है नहीं, रहती थी, बरसों पहले वो गुजर गई है। किसने लिखा है यहाँ पे? कौन है जो हमारे थाने से पंगा ले रहा है? ए, फोटो का खींचो, पीछे हटो, मारेंगे नहीं तो। किसने लिखा ये? संतू, चीते? नहीं पता मैडम, हमको बिल्कुल नहीं पता ये सब। बिल्ले? नहीं, मुझे नहीं पता। और ये थाने के बाहर लिखा है ना, मैं तो थाने के अंदर था ना, है ना? क्या हो गया करिश्मा सिंह, इतना शोर क्यों मचा? मैडम से ये देखिए दीवार पे क्या लिखा है। ये आपको तो उर्दू आता है ना मैडम सर, तो ये क्या लिखा है ये? अब हमारी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है उल्टा लिखा है। उल्टा? हाँ। हट रहे, मैं देखता हूँ। हे, तुमको आता है पढ़ना ये? अरे नहीं मैडम। तो टेढ़े काहे हो रहे हो, पीछे हटो। हटना यार। इकबाल तुम आओ, तुमको आता होगा ना पढ़ना? बिल्कुल आता है, इसकी तरह जाहिल थोड़ी। हाँ तो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बता तो सकते हैं, लेकिन। लेकिन का? थाने वालों का पिछले महीने का बिरयानी का उधार है, अगर वो दे दे तो कुछ सोचे हम। मिल गया एडवांस में पूरा। मिला? हाँ। पढ़ो अब। पढ़ो यार। पढ़ोगे? ये हवेली हमारी है, चले जाओ सब वरना मारे जाओगे साजिया। ये लिखने वाला साजिया को क्यों बता रहा है? अरे वरना मारे जाओगे कौमा साजिया। साजिया? साजिया हमें बता रही है, तो कौमा कब बोलेगा रे? बिल्लू जी, ए बिल्ले बक, ये वही है जो रात को आई थी कंप्लेंट लिखाने? हाँ, लालटेन लेके आई थी। एक मिनट, तुम दोनों ने मुझसे कहा था ना कि शाजिया की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। हाँ। तो फिर वो ये सब कैसे लिख सकती है? मैडम 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 मैडम, आपने क्या बोला था? कर क्या रहा? अभी कोई बात नहीं सुनता। ये तो पुष्पा जी वाली चुड़ैल है। का बोले बे? पुष्पा जी आपका ऐसे बोलती है ना, प्यार से चुड़ैल चुड़ैल। ये जो दिए दिए ना भगवान ने, इनको खोलो और आंख खोल कर साफ करो। ये का नीचे साफ कर रहे हैं? मतलब पहले दीवार साफ करूं फिर उसको पेंट करूं? आई एम नॉट पेंटर। अमा तो तुम्हें चित्रकारी करनी है क्या इस पे? बिल्ले रंग है, ये खून नहीं है, बात को समझो। तुम्हारे अंदर पिकासो का आत्मा डाले तब जाके साफ करोगे? हाँ मैडम, मुझे एक बार फर्श साफ करने को बोलो, बर्तन साफ करने को बोलो, आदमी साफ करने को बोलो, आदमी की जेब साफ करने को बोलो, लेकिन ये नहीं, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये खून भरी दीवार मैं साफ नहीं कर पाऊंगा। ए बिल्ले, कल सुबह दुकान पे आ जाना, सारे बर्तन साफ कर दे चकाचक, और शाम को हमारी दुकान पे आ जाना। मैडम, दो मिनट के लिए आपकी बंदूक दो गोली के साथ मिल सकती है, एक सुबह और शाम को। भग, बकलौली नहीं, साफ करो जल्दी। ए बिल्ले, जल्दी कर। ठीक है, चुड़ैल खून पीने आएगी तो बता दूंगा आपका एड्रेस। का बोले बे? हाँ, आप यही हैं? हाँ। कुछ नहीं। तो साफ कर। आ करता हूँ। जी, कोई समस्या है? आइए रिपोर्ट लिखते हैं अंदर। मुझे नहीं अंदर आनी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं लिखानी है। मैडम एक मिनट, अरे एक मिनट बात तो सुनिए। नवाब साहब वो कब आ गए? अभी थोड़ी देर हुए मैडम सर। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब कहाँ हैं आप? हम यहाँ हैं, सामने जो खिड़की है उसके टेबल के पीछे।
नवाब साहब, नवाब साहब आप यहाँ क्या? अरे वो सुन लेगी। कौन? अरे हमारी चौथी बेगम साजिया। नवाब साहब, आपकी बेगम का बहुत सालों पहले इंतकाल हो चुका है ना? हाँ मैडम जी, वो आ गई है भूत बन के। देखिए मैडम जी, मेरे कुछ ही दिनों में हमारी आखिरी बेगम की बड़ी बेटी की शादी है, उससे पहले मैं मरना नहीं चाहता हूँ मैडम जी। उसके बाद मर जाएंगे तो चलेगा? चुप। एक मिनट, एक मिनट नवाब साहब, आप बाहर आइए, कुछ नहीं होगा। आ जाइए, हम हैं साथ में, आइए आइए, बाहर आइए आइए। भाग यहाँ से, पैसे देता नहीं है, निकल। बदनाम। अरे मैडम चाय के पैसे। धीरे बोलो थोड़ा, कुछ नहीं होगा, बस बदनाम था वो, आइए। बदनाम था? हाँ हाँ हाँ, और कोई नहीं, आइए आइए, बाहर आइए आइए, बाहर आइए आइए, बाहर आइए, बैठिए, इत्मीनान से बैठ कर बात करते हैं, बैठिए बैठ जाइए। इत्मीनान से बैठिए। अब बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हम ये कहने आए हैं कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, लाख आप लोगों के अंदर बड़ी बुराई भरी हुई, पर इस बात का हमें यकीन है, और खास तौर से पुष्पा जी। अरे अरे, ऐसी औरतें आजकल कहाँ मिलती हैं? नवाब साहब जी जी जी, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के रहने से हमें कोई इतराज नहीं है, पर क्या? पर मैडम, इसका क्या? अरे मैडम सर, ये फोटो तो इतनी जल्दी वायरल भी हो गई। देखिए मैडम जी, अब ये कहते हुए हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग ये थाना खाली करके जाइए, क्योंकि हमारी जो ये चौथी बेगम साजिया है ना, अरे इसकी रूह ना हमको जीने देगी और ना आप लोगों को। भाई हम तो चलते हैं मैडम। नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। एक बात बताइए नवाब साहब, ये आपकी जन्नत नशीन बेगम हमारे ही थाने के पीछे क्यों पड़ी है? अरे मैडम, ये जो हमारी बेगम जो है ना, साजिया थी ना, अरे मैडम एक नंबर की लालचिन थी, और जब से मेरा उसका निकाह हुआ, उसकी नजर हमारी इस हवेली पे थी। फिर भी मैंने इस हवेली का नाम साजिया महल रख दिया, लेकिन उसका दिल नहीं भरा। वो कहने लगी, हैं हमें तो भाई कानूनन चाहिए, क्योंकि हम औरतों का क्या, हमारी बेटियों का क्या, और यहाँ तक कि उसने हमारी और बेगमों को जो है ना भड़काना शुरू कर दिया। नवाब साहब, लेकिन कानूनन वो गलत नहीं कह रही थी, सही थी। अरे मैडम जी, कानून रखिए भाड़ में, आप अपनी सोचिए, छोड़ेगी नहीं कि जो, हम तो चलते हैं भाई। नहीं नवाब साहब, बैठिए बैठिए, एक बात बताइए, आपके पास अपनी बेगम की कोई पुरानी फोटो कुछ है? मैडम है क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो बेगम थी ना, बड़ी खूबसूरत थी, एक आधी फोटो जरूर होगी। ये देखिए मैडम। नवाब साहब, आप दोनों के साथ में कभी कोई बेटी हुई थी क्या? नहीं नहीं मैडम जी, कोई बेटी नहीं हुई थी। नहीं मैडम, हमारी शादी के सिर्फ एक साल हुए थे, उस सड़े आम की तरह ना, और आमों को जो सड़ा रही थी, इसलिए हमने उसको अपने से अलग कर दिया था। अलग कर दिया? हाँ। अलग होने के बाद फिर से शादी की? हाँ मैडम, मैंने चार पांच शादी की। नवाब साहब, शाजिया ने दूसरी शादी की? मैडम उसका हमें नहीं कुछ पता। मैडम जी, हमसे अलग होने के बाद उसको कोई बीमारी हो गई थी, उसके बाद वो चल बसी। मैं चलता हूँ मैडम। हाँ हाँ हाँ। हे भोलेनाथ, आपके रहते कैसे विपदा आन पड़ी आपके इस परम भक्त पर, अब कहाँ ढूंढे उस मीरा को, सभी जगह तो ढूंढ के देख लिया हमने। आपको पता है शिवजी, अगर ये मीरा नहीं मिले ना समय रहते, तो सब रायता फैल जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, हमारा थाना बंद हो जाएगा। कुछ कीजिए, हम नहीं जानते, आप ही कुछ कीजिए, हमें बचाइए इस विपदा से। क्या कष्ट है बच्चा? शिवजी, शिवजी आप आ गए इतनी जल्दी, क्या हुआ? पार्वती माँ नहीं आई आपके साथ? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते, सब तो जानते हैं आप, फिर भी आप पूछ रहे क्या कष्ट है? ये हम है बच्चा, पलटो। अच्छा पंडित जी, क्या हुआ, क्या परेशानी है बच्चा? एक मिनट, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ,
लेकिन इसकी तस्वीर आपके पास कैसे? अरे वो सब छोड़िए ना महाराज, पहले ये बताइए आपने इस लड़की को कहाँ देखा है? ये वही लड़की है जो मार्केट में मिली थी, और इस लड़की के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। एक आदमी उसे ले गया। आदमी? कहाँ लेके गया? हॉस्पिटल लेके गया होगा, और कहाँ लेके जाएगा? नहीं ना पंडित जी, आसपास के सारे अस्पतालों में हमने पूछताछ की है, वहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं आया है। तो फिर पुलिस थाने लेके गया होगा? नहीं ना, पुलिस थाने में भी ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, जो इंसान उसे लेके गया अपने साथ, उसको तो आपने देखा ही होगा, उसका रूप रंग कैसा था? मतलब कद काठी, वो कैसा दिखता था? ऐसे कोई विशेष पहचान जिसे उसे ढूंढने में आसानी हो? थोड़ा सा मध्यम कद का, मोटा, गोल सा नाक था उसका, और थोड़ा सा सांवला था। पंडित जी बहुत 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 धन्यवाद, बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द वो लड़की हमें मिल जाए। पंडित जी धन्यवाद, पंडित जी धन्यवाद। हमारे महिला थाने पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है।